गए दोपहर का वक्त था, वो इस्तराहत फरमा रहे थे। अब्दुल्लाह बिन अब्बास उसके दरवाजे के सामने चादर सुलाने के नीचे रख के लेट गए। वो असाबी उनको जगाया भी नहीं। वो साहबी जब बाहर आए उन्होंने कहा, अब्दुल्लाह आप तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा साहब हैं, आपने मुझे बुला लिया होगा, मैं आपके पास आ जाता। अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने कहा, यह है इल्म की फौकियत और अहमियत और इसका एहतराम। अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने कहा, यह जरूरतमंद मैं था, नालिक मैंने सीखना था, बात मैंने पूछनी थी, मैं इसलिए आपके दरवाजे के पास आया हूँ और आपको जगाया भी इसलिए नहीं है कि आपकी इस रात में मैं मुखिल न हूँ, ये बात पूछने के लिए आया था आपका अहली बता। कुछ अर्सा गुजरा, जब सहाबा के बाद ताबीन का जमाना आया, वही अंसारी साथी हजरत अब्दुल्ला का, उसने अब्दुल्ला को कहा, अब्दुल्ला आपने अकल की बात की, आप जीत गए, आप जिंदगी की बाजी भी जीत गए और आखिरत की बाजी भी जीत गए, मैंने बेअकली का फैसला किया और मैं पीछे रह गया। आज तुम कहां खड़े हो कि लोग तेरे पास आते हैं तफसीर पूछने, लोग तेरे पास आते हैं, आज सहाबा इकराम नहीं रहे, आज तुम दुनिया में हो जो सबको बता रहे हो, सबको सिखा रहे हो कि इल्म जो है। और एक हदीस का मफहूम बयान करके मैं आगे बात को बढ़ाता हूँ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इंसान दुनिया से चला जाता है, तीन बेहतरीन चीज़ें छोड़ के जाता है, एक तो वलद उन साले औलाद जो उसके लिए नेक अमल करे और दुआ करे, दूसरा वो माल उसने अल्लाह की राह में खर्च किया, सबका जारिया को बनाया, अवामी काम किए, और उसका जो है वो भी तुम्हें अजर मिलता रहेगा जब तक किसी ने फनों खुलवा लिया, मस्जिद कोई भी अवामी काम कर दिया, किसी को स्कॉलरशिप दे दिया, ये भी है आजकल के दौर में तो ये है, किसी को स्कॉलरशिप दिलवा दिया, एजुकेशन दिलवा दी, कोई गरीब आदमी पढ़ नहीं सकता उसको पढ़वा दिया, ये सबसे बड़ा सबका जाए सबका जारी कर दिया। और तीसरी ये चीज है कि उसने इलम ऐसा छोड़ दिया जिस पे अमल किया गया वो उसके लिए आखिरत में भी और इस दुनिया में। तो मज़े सानी इल्म हासिल करना, इल्म के लिए इंस्टीट्यूशन बनाना, इनके इल्म के साथ कारोबार तो और भी बहुत से मुनाफा बख्श भी है। मैं सलाम करता हूँ लोगों को जो इल्म के लिए, हमारे स्टूडेंट जो इल्म के लिए अदारों में जाते हैं, उन अदारों को सलाम करता हूँ और लोगों को सलाम करता हूँ। और फिर हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे शहर के एमएलए को जब वजारत दी गई तो वो भी इल्म वाली थी, हम इसके लिए खुश हैं, इसका अप्रिशिएट करते हैं और वी आर प्राउड बात है कि हमारे इलाके में से जो एमएलए आया, मिनिस्ट्रियां तो और भी बहुत है, इंडस्ट्रीज की भी है, दूसरी किसी भी है, और वो खजाने के भी है जिसमें पैसा भी बहुत होता है, लेकिन हमें मिनिस्ट्री दी गई तो इल्म ये आनर है हमारे, इसको हम अपना आनर समझें, ये स्टूडेंट हमारे के लिए भी ये एक आनर है, इसको अप्रिशिएट करें, अपने वेलकम कलमात के साथ में साथ साथ अपने कॉलेज का भी थोड़ा सा तारफ कोशिश करूंगा कि बहुत कम वक्त लूँ, क्योंकि ऑलरेडी प्रोग्राम जारी था, हमने उसी प्रोग्राम को के बीच डिसाइडेड कि लेट द प्रोग्राम बी प्रोसीडिंग एट इट वाज गोइंग, नो नीड टू स्टार्ट इट फ्रॉम द फर्स्ट एंड जस्ट प्रोसीड फ्रॉम द वेरी पॉइंट वी वर एट दैट। सो नाउ आई विल इंट्रोड्यूस माई कॉलेज Abacus Polytechnic College, it was Abacus Computer College in 1995, and I am also again proud of that, that this college was being started from two shops, and now it is a big institution. Just in the bazaar, two shops, we started from there, computer college, then in 1995, then in 2000, two BISF board intermediate courses started, then in 2005 or 2004 we were affiliated with
KPK Board of Technical Education, Peshawar. At first, we started two technologies, telecom and electronics. Then we inducted, and in addition to that, electrical, chemical, and civil. Now, we are running five technologies. Besides, Allama Iqbal Open University course, Open Tech course, started from 2009. Our technologies, as I mentioned, five technologies. To run the five different technologies, it is very easy to run an intermediate college because all the subjects are similar. Just from first year go to second year, the same subject remains there. Here in technical, and people know who are concerned, they know very well that within one technology, one subject is totally different from the other subject. The practical of one subject are totally different from the other subject. But it is our honor that we are running these five technologies, and this is our achievement which we have shown through our results. Because very good Grimbler in hockey can be a good center forward, but if he doesn't put up the goal inside, then he is nowhere. The actual thing is the result. And result what we have done, I am announcing year by year, and I will need from my student, we appreciate that. 207. First position in BT. This was our first batch of telecom. The technology we started at very first. 3 years completed in 207 and first batch pass out. One of our student got first position. Result was 100%. Third thing. All these students who pass out from here in first batch are in the field of serving the nation in very good positions in different departments. 208, again first position, again 100%, all back. Sometime I used to discuss with Ashik Saab, if this is no doubt we are very happy that we are getting the result 100%, but to maintain it is very difficult. If next time we got 99%, then we will stand nowhere, because first time if we gave 100% and then. So, but alhamdulillah, we can say that in 209, third position, result 100%. 210 annual BT exam, 2nd, 4th, 8th, 11th and 15th position. But again I say, now we have 95%. But still it is honor. It was the best results in among the telecom, among the institutions, 95%. 211, first position, third position, this exam, 100% all tech. Apart from curriculum activities, co-curriculum activities, 209.